हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम डिफरेंशिएशन चैप्टर में कुछ और एक स्टेप आगे जा रहे हैं, कुछ रूल्स सीखेंगे। कुछ सिंपल रूल्स हमने ऑलरेडी सीख लिए हैं, जैसे एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, एक हमने ये रूल सीख लिया है। दूसरा हमने मल्टीप्लाई का रूल सीखा है। मल्टीप्लाई के रूल में हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v। ये देखते हैं ये रूल्स। मल्टीप्लाई में हमने इसके भी सम हमने कर लिए। तीसरा थर्ड डिवीजन का रूल क्या होता है, ये है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का रूल, ठीक है। नाउ डिवीजन का रूल क्या होगा, सो डिवीजन का रूल हमने सीखा डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो इसमें हमने सीखा वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी डिवाइड बाय वी स्क्वायर। ये है डिवीजन रूल डिवाइड करने के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें सीखना है जो अभी हमारा बाकी है, दैट इज चेन रूल। सो चेन रूल कैसे होगा, सो चेन रूल अभी हमें सम करने बाकी हैं, बट मैं आज रूल्स लिखवा रहा हूँ। सो चेन रूल में हम लिखेंगे डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले रूल आपके हो गए हैं, वैसा ही ये चेन रूल है। अब चेन रूल के बाद कुछ लॉग के रूल सीखेंगे। सो लॉग के रूल्स में क्या है कि लॉग एम इंटू एन हो तो उसका हो जाता है लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग एम इंटू एन हो तो रूल है लॉग एम प्लस लॉग एन। नेक्स्ट इज लॉग एम अपॉन एन हो तो इसका रूल है log m माइनस log n, m अपॉन n का ये रूल है। फिर एक और रूल है log का, जिसमें log में अगर पावर दिया हुआ है, जैसे log m और m के पावर में n दिया हुआ है, तो पहले n लिखना होता है, पावर आगे log m। ये हो गए लॉग के रूल्स। यहाँ से यूँ समझो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। अभी तक जो हमने सीखा वो ट्वेल्थ का रिवीजन कर रहे थे। अब आगे कुछ ई के रूल्स हैं और वो ई के रूल्स लॉग के रूल्स कैसे करने हैं, कैसे काम में आएंगे वो भी हम समझेंगे। एक और रूल है लॉग का, log x हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो log के साथ अगर कुछ भी हो तो उसे 1 के डिवाइड में रख दो एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ x कर दो। जो log के साथ है वो 1 के डिवाइड में, जो log के साथ है उसका डेरिवेटिव कर दो। ये जब हम सम करेंगे तो मैं सिखाऊंगा। अभी इसी लेक्चर में रिसेंटली हम ये वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहले मैं आपको फॉर्मूला पूरे दे दूँ, फिर ये टॉपिक पर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज ई रेस टू एक्स हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, सो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है एंड इनटू डेरिवेटिव करना होता है जो ई का पावर है, ई के जो पावर में वैल्यू दी हुई है उसका डेरिवेटिव करेंगे। ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। उसके बाद मैनी टाइम ऐसा होगा कि आप एक्स रेस टू थ्री देख कर आए हो, एक्स क्यूब उसका डेरिवेटिव होता है थ्री एक्स स्क्वायर। अब आपको डेरिवेटिव करना है थ्री रेस टू एक्स, एक्स रेस टू थ्री नहीं थ्री रेस टू एक्स। सो थ्री रेस टू एक्स का डेरिवेटिव करना हो तो थ्री एक नंबर है, तो नंबर है ना तो उसे लिखेंगे ए रेस टू एक्स। सो ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होगा ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, लॉग ए फिर नीचे लिखेंगे ई बेस ई। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं
जो आप अच्छे से लिख लो, अभी नोट डाउन कर लो, जैसे जैसे मैं सम करवाऊंगा तब मैं ये पेज खोलकर आपको फॉर्मूलास एक्सप्लेन करता जाऊंगा। एंड इवन कुछ फॉर्मूलास जैसे ये वाली है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये आपने पहले सीखी हुई है और की हुई है। ओके सो आज जो हम करने वाले हैं, आज जो हम सीखने वाले हैं वो हम लॉग वाली फार्मूला सीखेंगे। ये लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। इसकी मीनिंग क्या होगी, ऐसे याद रखना, लॉग एक्स के डेरिवेटिव में जो लॉग के साथ है उसे 1 के डिवाइड में रख दो और जो लॉग के साथ है उसका डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, क्लियर। तो अब ऐसा सम करवाने के लिए मैं ले रहा हूँ सम क्वेश्चन नंबर 39 का सेकेंड सम। क्वेश्चन 39 सम नंबर सेकेंड। क्वेश्चन 39 में सेकेंड में दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू, जो भी हो आपको y लिखना है, log फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है 11x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ऐसा क्वेश्चन होगा आपको। अब इसका dy by dx करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो रूल मैंने आपको कैसे याद करवाया, जो log के साथ है उसे 1 के डिवाइड में रखो, तो जो लॉग के साथ है उसे 1 के डिवाइड में रख देंगे, 1 डिवाइड बाय 11x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इनटू करना है, जो लॉग के साथ है उसका डेरिवेटिव कर दो। अब इसका डेरिवेटिव करो, 11x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 22x प्लस 7x का डेरिवेटिव होगा 7। इज इट क्लियर। सो 22x प्लस 7 इनटू 1 करेंगे तो न्यूमरेटर हो जाएगा 22x प्लस 7 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा 11x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ये हो गया इसका आंसर, सिंपल। देखिए मैंने कितना इजीली आपको करवाया, जो लॉग के साथ है उसे 1 के डिवाइड में, जो लॉग के साथ है उसका डेरिवेटिव। लॉग के साथ क्या था, 11x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, उसे 1 की डिवाइड में, और जो लॉग के साथ है उसका डेरिवेटिव। सो स्टूडेंट्स, पहले मैं फ्यू सेकंड्स के लिए आपके सामने ये रख रहा हूँ, आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 39 का सेकंड सम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हैं। 39 का सेकंड सम आपने ले लिया, लिख लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 का सेकंड सम, इसी लेक्चर में करेंगे। सो नाउ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का सेकंड सम। और मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप ये सम खुद से ट्राई करो, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो करवा ही रहा हूँ, मैं तो सॉल्यूशन दे ही रहा हूँ आपको। y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 9। ओके सो डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, yx equals to log 2x plus 9। अब जो log आ गया तो log के जो साथ है उसे 1 के डिवाइड में रख दो, log के साथ क्या है 2x plus 9, 1 के डिवाइड में रख दिया, और जो log के साथ है उसका डेरिवेटिव कर दो, तो log के साथ क्या है 2x plus 9, सो 2x का डेरिवेटिव होगा 2 और 9 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, 9 का डेरिवेटिव होता ही नहीं है, नंबर का डेरिवेटिव कभी भी 0 हो जाता है। सो 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाय 2x प्लस 9, ये हो गया आंसर, ये इसका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 40 का सेकंड सम हमने किया। सो देखिए सम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, आपको कंसेप्ट को समझना है, एक बार आप कंसेप्ट समझ गए तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। इज इट ओके, ठीक है। हो सकता है कभी क्वेश्चंस आपके बुक में आगे पीछे हो तो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 60, उसमें भी बी और उसमें भी थर्ड सम, ठीक है। फिर से मैं जूम करके आपको दिखा दूं, मेरे बुक में है क्वेश्चन नंबर 60 का बी और बी का ये थर्ड सम। क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू log 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। सो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा y इज इक्वल्स टू log
इंटू ब्रैकेट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। देखिए मैं आपको इतने इजी वे से समझाऊंगा ना कि आपको एक ही बार में पॉइंट समझ में आ जाएगी और आप अगर कंसेप्ट से याद कर रहे हो तो आपको इजीली आ जाएगा। बट हाँ, आपको एक काम करना है, क्या कि ये लेक्चर्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहना है ताकि आप भी बेनिफिट लो, वो भी बेनिफिट ले पाए। चलिए आगे करते हैं। लॉग 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, जो लॉग के साथ है उसे 1 के डिवाइड में रख दो। लॉग के साथ क्या है, तो लॉग के साथ है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इंटू, जो लॉग के साथ है उसका डेरिवेटिव कर दो। तो जो लॉग के साथ है, लॉग के साथ क्या है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू 3 6x प्लस 5x का डेरिवेटिव 5 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। सो फाइनली 6x प्लस 5 इंटू 1 करेंगे तो आंसर आएगा 6x प्लस 5 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो देखिए आंसर में है 6x प्लस 5 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये इसका आंसर है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपको जाना है YouTube चैनल पर, सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट को फाइंड आउट करना है। प्लेलिस्ट में आपको सभी लेक्चर सीक्वेंस में अवेलेबल हो जाएंगे। चलो नाउ अब मैं आपको एक सम ट्राई करने के लिए दे रहा हूं। पहले क्वेश्चन 66 बी सेकंड, मैं आपको थोड़ा सा सम जूम करके दे देता हूं। क्वेश्चन 66 बी सेकंड, 66 बी सेकंड, इफ वाई इज इक्वल्स टू लॉग 11x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, फिर आगे लिखा हुआ है देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये सम आपको होमवर्क में करना है। 66 बी सम नंबर 2 मैं टिक कर दूं यहाँ पर, ये रहा, ठीक है, ये सम आप होमवर्क में करोगे। अब जैसे हमने लॉग को इतना इजी मेथड से सीखा, वैसे हम ई भी सीखेंगे, वैसे हम ए भी सीखेंगे, और लॉग में कुछ ये ऑप्शंस भी हैं, लॉग एम इंटू एन है, तो ये सब क्या करना है ये भी हम आगे के लेक्चर्स में सीखने वाले हैं। सो आज मैंने आपको लॉग वाला ये जो राइट किया है ये पॉइंट कवर करवाया बहुत ही इजी से। चलिए सो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए। ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ।